एक तो सतलोक में है वो परमात्मा, वह सथिर है, वो वहाँ स्थायी तौर पे वहाँ रहते हैं, तो वहाँ उनका शरीर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी सतपुरुष की सतलोक में है, इतनी शोभा है उस परमेश्वर की, और मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। ये आज तक जितने भी पंथर मह ऋषि ऋषि ये जितने सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी धन धन सतगुरु ये तेरे सारे जो जय गुरुदेव वाले हैं, ये सारे कति झूठा ज्ञान रखते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं सतलोक में, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, वहाँ पर परमात्मा है ही नहीं, और मोक्ष प्राप्त आत्मा सतलोक में निराकार परमात्मा में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई, अब किसी को कोई कहे कि चलो समुद्र में डूब कर मरांगे, होगा कोई तैयार? वहाँ भगवान है नहीं, आम के टिंडे लाएंगे वहाँ पर, फिर क्या करेंगे, जाके भगवान के लिए तड़पते फिरते हैं, मूर्ख बना रखे इन्होंने, ये काल के दूत थे सारे। तो एक तो वो स्थिति है, और दूसरी स्थिति ये है कि वो नवजात शिशु का रूप धारण करके एक युग में एक ऐसी लीला करता है जैसे बनारस में की सतयुग में परमात्मा कबीर जी ने, और धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में शरीर में, नवजात शिशु धारण करके आते हैं, फिर बड़े होकर के छोटे ही आयु से 5 वर्ष की आयु से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुटा देते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं करते हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे भक्त की का रोल भी स्वयं ही करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं करते हैं, और हमें उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि ऐसे रहो, समर्पित रहो परमात्मा पर, ज़्यादा संग्रह संचन में समय व्यर्थ मत करो। ये दूसरी सती थी, और तीसरी सती थी जैसे धर्मदास जी साहब को आकर मिले ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक 21 तक इन मंत्रों में विशेष रूप से ये कहा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, और वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को, और उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो वो परमात्मा ऐसी लीला कौन करते हैं? कबीर देव जी, कबीर साहब। वो कबीर साहब जी किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय दादूदास जी को, आदरणीय नानक साहेब जी को, आदरणीय गरीबदास साहेब जी को, आदरणीय घीसादास साहेब जी को, आदरणीय नामदेव साहेब जी को, और भी बहुत से संतों को मिले, लेकिन हम इतना ही जो वेल नोन है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको विश्वास शीघ्र होगा। और इसके अतिरिक्त जब चाहे जहाँ परमात्मा आ जाते हैं, कुछ दिन किसी पहले क्या होता था कि ये गांव में नगरों में कहीं कहीं उनकी यादगार बनी हुई है, और वहाँ के अक्षेत्र के व्यक्ति कहते थे यह एक साधु रहा करता था, उसने अपना भेद नहीं दिया, कहाँ से आया था, कहाँ का उनका जन्म था, कभी वो नहीं बताते थे, तो वो परमात्मा आते थे, और भक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए वो परमात्मा कुछ समय आते रहते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, उस क्षेत्र में फिर भक्ति पनप जाती है, मालिक की आस्था बनी रहती है। और ये भगवान जो ब्रह्म है, ये काल ये चाहता है कि ये जीव नास्तिक हो जाए, इनको ऐसी साधना दी जाए जो साधना करते करते थक जाए, इन पर आपत्तियाँ आती रहें, ये नास्तिक हो जाए, भगवान को भूल जाए। वर्तमान में ये सभी पंथ जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा डेरा सिरसा वाला, जगमाल वाली आला, एक यू गंगुआ में लठगाड़ी रखा सस्सो मस्ताना, एक यू जय गुरुदेव, एक दिल्ली में कृपाल आश्रम, और ये हंसा देश वाले सतपाल जी, और ये
जिसने बाल योगेश्वर कहे, ये सारे काल के दूत हैं, इनके पास भक्ति नहीं, और इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है इनके अनुयायियों की भी, और फिर ये क्या कहते हैं भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध में कर्म लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं, आप भक्ति करते रहो आपका आगे सुख हो जाएगा अगले जीवन में। अब पुण्य आत्माओं, दुख होता है पाप तय और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है, और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा आगे भक्ति कर ले, अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में काटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है और काटा दिखाई ना देता हो और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे काटा लग गया है जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है, अब उसका इलाज तो ये है कि वो काटा निकल जाए, काटा निकले तो पीड़ा बंद होगी, और कोई नहीं कहे कि काटा तो लगा ही रहेगा ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले आगे काटा नहीं लगेगा, काटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, काटा निकले पीड़ा बंद हो फिर जूता पहना जा, और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, हे भगवान कदे फिर काटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी काटा लगा हुआ आपके, और ये काटा निकाला जाएगा पहले आपका, और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तमाखू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है, और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको, और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा इस डर से ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए। तो इस प्रकार तब ये भक्ति सफल होगी। अब जिन पुण्यात्माओं को ऐसा ऐसा सुख हुआ, मेरे पास इतनी चिट्ठी हो जाती है प्रत्येक सत्संग में, और फिर जो फुर्सत मिलती है पढ़ता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाती हैं, ऐसे ऐसे दुख थे इन प्राणियों पर, आज परमात्मा ने ऐसे सुखी कर दिए वो कुछ ही दिनों में, हे परमात्मा हे दयालु आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे लेकिन आपने आप ही आकर हमें ये बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, हम अभी तक भटक रहे थे। अब फिर उन पुण्यात्माओं को जो कष्ट में थे आज सुख मिल गया, अब उनको जो मर्यादा बता दी गई वो मर्यादा नहीं तोड़ते, उनको जरा सा भी किसी कारण से, जैसे एक बहन मेहंदी ला कर आएगी और हमने उसको कहा भी ये नहीं लानी चाहिए थी, नो बोले जी दोनों कान पकड़ लिए पता नहीं था मुझे आगे नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाई फिर बोल कभी, तो किस लिए लगाएंगे ये ड्रामाबाजी किस लिए कर रहे हैं परमात्मा, जैसे नानक साहेब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे किस विद डल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासा वे। अब छोटे छोटे पुण्यात्मा बच्चे भी ये कहते हैं जी मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम खंड तो नहीं हो गया, और एक कहता जी इसने फिल्म देख ली एक दिन टीवी देख रहा था इसका नाम खंड हो गया, तो वो कहता है जी फिर कभी नहीं देखूंगा मैं, दूसरा बच्चा कहता है फिर नहीं देखूंगा, और ऐसा ही दृढ़ हो जाता है। अब बच्चों को जिस रंग में अब रंग देंगे सदा वो उसी रंग में रंगे रहेंगे, अब हमने किस रंग में रंग दिए, ये फिल्मी गाने देखें हैं डिशों डिशों, और फिर फिल्मी गाने गावें और कमरे में अकेले होते ही बाण भाई नाचे नहरे नहरे, ये बकवाद वर्दी काल ना हमारे अंदर, और वो सब अड़ंगा हटा करके ये एक सुचारू जीवन इस पुण्यात्मा को यहाँ दिया जाता है, जीने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक नया समाज होगा, एक ऋषि समाज बनेगा, अब ये सभी भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, आप चोरी करके रिश्वत ले करके आप धनी बनना चाहते हो सपने में भी नहीं बन सकते, ये सत्कर्म और वो पाप रह जाएंगे अलग। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था
अपने आत्मा के सत्संग को सुनकर जागृति आती है, आत्मा तड़प उठती है और एकदम सतर्क होती है कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। अब जैसा ही परमात्मा का ज्ञान है, इसको सुनकर आत्मा एकदम सचेत हो जाती है, उसको अपने किए हुए कर्मों पर सोचना पड़ता है। अब सत्संग में बताया जाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। ये थी आप जी ने दो नंबर का काम करके, किसी का मिलावट करके, रिश्वत लेकर और दो पैसे अधिक इकट्ठे कर भी लिए, तो वो पैसे ऐसे स्थान पर लग जाएंगे, या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। अब वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए, जो आप जी ने वो पाप जो पैसे इकट्ठे करने में वो पाप किए थे वो आप न भोगने पड़ेंगे, और पैसा रहा नहीं। और परमात्मा का विधान है, जैसा तुमने किया उससे अधिक तुम रख नहीं सकते। और पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा परमात्मा, यदि आपको आवश्यकता होगी। अरुण वाहियात की डिमांड करोगे तो यहाँ आपकी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि माया आपकी शत्रु है और आपको परमात्मा उतना अवश्य देगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से इतनी मांगना, साईं इतनी दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। इतनी मांग ली ना आपने, सारा कुछ मांग लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं, ये एक अलग चैप्टर शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे जब हमें ये डर हो जाएगा, तो एक व्यक्ति ने ये सत्संग सुना और फिर उसने उपदेश लिया, आज से 10 वर्ष पहले की बात है, 10-11 वर्ष पहले। फिर उसने आपबीती बताई कि मेरा इकलौता पुत्र था और मेरा कुछ ऐसा काम था इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, पहले ये घड़ी आया करती 10-10, 5-5 रुपए की, और बेचा करते 200-200 रुपए में, 400-400, ये स्टार्ट हुई थी जो। और फिर कहा करता मेरे कैसेटों का, ये जो सोनी की कैसेट आया करती इसकी टेप की, सन 73-74 में, ये 75-76 में ये चले थे, तो उस समय कहता जी सोनी की वो कैसेट तो 32 रुपए की होती थी, मैंने डुप्लीकेट सोनी बनाकर जो 2 रुपये में मेरा रिफल समेत पड़ा करती, मैं 32 रुपए में लेता था। और वो किसी की चलती है तो ना चलती, कोई टेप खराब हो गया, कोई टूटी रहती, ऊपर लेवल सोनी का था, कहने का भाव यू है कि मैंने खूब पैसा कमा लिया। इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर जाड़े जपटे आलियों के, फिर फलाने मंदिर में जाओ अमरनाथ पर माथा टेकवा लिया, फिर वहाँ धक्के खाए, सारा पैसा बहुत लग गया, लास्ट में फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में चेक कराया, उसके दोनों किडनी फेल पाई। अब जैसे तैसे करके किसी रिश्तेदार ने अपने से वो गुर्दे गर्दा एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया, उसका 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये टोटल लाग गए, यानी कर्जा और हो गया, जो कमाया था वो तो गया, और फिर भी सोची चल कोई बात नहीं फिर कमा लेंगे। 6 महीने के बाद वो ही लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। जब उसने ये सत्संग सुना, कहने लगा जी मैं तो इतना पापी आत्मा था, मेरे तक कीड़े पड़ जाना सारे शरीर में, तो भी थोड़े हैं, परमात्मा के सत्संग से ज्ञान से मेरी आंख खुल गई। और आंख न खुल गई वह बीत चुकी थी, जय उसके पास ये सुख होता लड़का भी जीवित होता, कद्दे ना सुने हमारी बात ने, और ना उसका असर हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हे परमात्मा, आप ऐसे अर्ज करते रहना प्रभु से। परमात्मा अपने आप पर कह के हमारे लिए एक संकेत करते हैं कि परमात्मा से ये अर्ज करना कि सुख के मत है
पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय से जा और बलिहारी उस दुख